महायुद्ध से आया रूस पर हमले का एक और विनाशकारी वीडियो। ये तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। हाइमार्स से यूक्रेन ने उड़ाई रूस की घातक मिसाइल। यूक्रेन को अमेरिका ने दिया है हाइमार्स रॉकेट सिस्टम। हाइमार्स से रूस की कई मिसाइलें गिरा चुका है यूक्रेन। महायुद्ध से आया है रूस पर हमले का, या कहें रूस पर प्रहार का एक खतरनाक वीडियो। ये वो प्रहार हैं जो यूक्रेन अमेरिका से मिले हाइमार्स से रूस पर कर रहा है। इन हाइमार्स रॉकेट्स के जरिए कैसे रूस को बड़े झटके दिए हैं यूक्रेन ने, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और रूस पर यूक्रेन के हमले का एक और वीडियो सामने आया है। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी हथियारों का गोदाम उड़ा दिया। यह तस्वीर देखिए, जल्दी से दिखाते हैं आपको। रूसी हथियारों का गोदाम उड़ा दिया यूक्रेन ने, ऐसे अपनी आर्टिलरी से यूक्रेन ने हमले का वीडियो जारी किया है। हमले में उड़ता दिखा हथियारों का गोदाम। देखिए, ये हथियारों के गोदाम पे इस तोप से बम बरसाए जा रहे हैं और उसके बाद कैसे उन रूस के हथियारों का गोदाम उड़ता हुआ दिखा, वो इन तस्वीरों में देखिए। और आधी रात को भीषण धमाकों से दहल गया ज़ापोरिज़्या, वो ज़ापोरिज़्या जहां यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। आधी रात को भीषण धमाकों से दहला है ज़ापोरिज़्या। रुक रुक कर ज़ापोरिज़्या में कई ब्लास्ट हुए हैं। ज़ापोरिज़्या में रशियन मिसाइल अटैक की आशंका है। बॉर्डिंग हुई है ज़ापोरिज़्या पर, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। के बाद एक तमाम मिसाइल गिरी हैं ज़ापोरिज़्या पर। सवाल यह है कि क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट सेफ है या नहीं, क्योंकि अगर वहां पर रेडियो एक्टिव रिसाव हुआ तो बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। तीन तस्वीरें तीन बड़ी खबरों के साथ। हाइमार्स से यूक्रेन ने रूस को कुछ बड़े झटके दिए हैं, उधर यूक्रेन ने रूस के हथियारों के गोदाम पर हमले का, या कहें प्रहार का एक वीडियो जारी किया है। और आधी रात को भीषण प्रहार से दहल गया ज़ापोरिज़्या, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं।